प्रेम शुक्ला जी सीधे आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं आप लोगों के पास तो कमल का डिटर्जेंट है, जो भी आप लोगों के पास आता है उसमें धुल के वो बिल्कुल साफ हो जाता है, दूसरों के पास चला जाता है तो उसमें बड़े दाग नजर आते हैं आप लोगों को। नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास जो है वो लॉन्ड्री है, एक इटाली से आयात की हुई मशीन है। उस मशीन में जिस शिवसेना को कल तक सांप्रदायिक कहते थे, इनके गठबंधन में आते ही वो सेकुलर हो गई। जिस MIM को ये सांप्रदायिक कहते हैं उसके साथ गठबंधन करके सरकार चलाते हैं, जिस मुस्लिम लीग को ये सांप्रदायिक कहते हैं उसके समर्थन से ये केरल में सरकार चलाने का इनका रिकॉर्ड है। तो इनके पास तो सांप्रदायिकता को धोने वाला इटली से आयातित बड़ी मशीन है। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, जरा इनको शांत कराएं, अभद्र व्यक्ति को शांत कराएं, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, इनको शांति से सुन रहा था। चित्रा जी ओके, आराम से, आराम से, शब्दों की मर्यादा बनी रहे प्लीज। सापरे साहब आप बोले बोले प्लीज। मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी बात आगे बढ़ाए, कांग्रेसी थी ना, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी कांग्रेसी थी, ये लोग भली भांति जानते हैं। तो हमने तो किसी को देखिए, न्याय की बात जो है, जो संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो न्याय की परंपरा है, हम उस न्याय की परंपरा के साथ खड़े रहेंगे। सवाल बहुत सीधा सा इस मामले में है, हम यहाँ वहां की बात ना करें। आप मुझे बताइए, अगर नवनीत राणा का हनुमान चालीसा मातोश्री के बाहर पढ़ना अपराध है तो नवनीत राणा के घर पर किस कानून के तहत, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत शिवसैनिकों ने उनका घर घेर रखा है? इसका जवाब सप्रा जी के पास तो दे दे, इसका जवाब आनंद दुबे जी के पास तो दे दे। अगर नवनीत राणा का मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है तो नवनीत राणा के घर को घेर कर गालियां देना, नारे लगाना, उनके घर में घुसने का प्रयास करना, ये संवैधानिक और कानूनी है क्या? चित्रा जी जवाब दो। डराने धमकाने से क्या हासिल होगा चरण सिंह सापरे जी? और सवाल तो महत्वपूर्ण है, मातोश्री के बाहर अगर कोई जाने की बस बात भर कह दे तो उसके खिलाफ बगावत करने लगते हैं आप लोग, और एक सांसद के बाहर इतनी बड़ी तादाद में शिव सैनिकों की मौजूदगी है, किसको डरा रहे हैं आप लोग? किसको ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी ने भी हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो फिर उसका हश्र क्या होगा? चित्रा जी आ रही हूँ दुबे साहब, एक बार चरण सिंह साहब इन्होंने जिन्ना की बात की लेकिन ये भूल गए हैं। नहीं, मेरी बारी है, मेरी बारी है। इन्होंने जिन्ना की बात की लेकिन भूल जाते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना की तारीफ बहुत सारी की थी। अब वो मैं उस चीज में जाऊंगा तो डिबेट दूसरी तरफ निकल जाएगी। फिर ये जो और इस तरह की बातें करते हैं, हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी का धंधा है, इस तरह की बातें करके शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स ये करते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं यही कहना चाहता था। देखिए किस तरह से बोखला रहे, किस तरह से बोखला रहे चित्रा जी, अभी इनको रोकिए चित्रा जी, बोखला रहे, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं भी इनके बीच में बोल सकता हूँ, सारी डिबेट खराब कर सकता हूँ, उसका जवाब दीजिए ना। मुख्यमंत्री कौन होता है? देखिए कौन होता है आप बताइए ना। पहले जो अगर मुख्यमंत्री के घर के बाहर किसी का जाना मना है तो फिर एक सांसद के घर के बाहर इतनी बड़ी तादाद में शिव सैनिकों का जाना, किसको डराने की कोशिश की जा रही है? यही तो सवाल पूछ रही हूं मैं। देखिए, मैं इन्होंने मुस्लिम लीग की बात की, उस पर कह दूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके गुरु थे वो मुस्लिम लीग के साथ में उन्होंने सरकार बनाई थी, मंत्री थे वहां पर।